काफी अनोखी प्रथा है ये चिंतपूर्णी धाम की। और डोरमेट्री के सामने यहाँ पे देखिए कितने सुंदर नजारे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन माँ चिंतपूर्णी की जयंती थी तो पूरा मंदिर यहाँ पे सजा हुआ है। देखिए कुछ ऐसे रास्ते हैं यहाँ पे माता चिंतपूर्णी के लिए, पीछे रास्ते ऐसे कुछ हट्स बने हैं। और इस पहाड़ के क्लिफ पे खड़े खड़े आपका इस एपिसोड में स्वागत है दोस्तों। देखिए जगह जगह पे ऐसी जगह बनी हुई है और एकदम ठंडा ठंडा यहाँ पे पवन है। वाओ, बस ये ऊपर जो दिख रहा है वही है चिंतपूर्णी धाम। तो बस इसी रास्ते से यहाँ से अभी हम आगे बढ़ेंगे, तो चलते हैं चिंतपूर्णी धाम के लिए। हम चिंतपूर्णी धाम में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए मैं अभी मंदिर के पार्किंग लॉट में आ चुका हूँ। मंदिर से 800 मीटर दूर ये पार्किंग लॉट है और अभी कार को फर्स्ट फ्लोर पे ले जा रहा हूँ। मल्टी स्टोरी पार्किंग है, अपना पार्किंग स्पेस ढूंढ रहे हैं। किधर है भैया? इससे ऊपर वाले फ्लोर में जाना है आपको। अच्छा, ये फ्लोर पे भी नहीं है पार्किंग, तो इससे ऊपर जाना है हमें पार्किंग के लिए। तो लो जी, अपनी गाड़ी हो गई पार्क, अब चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। तो ये था पूरा पार्किंग और यहाँ से स्टेप्स उतर के अभी अपन लोग जाएंगे नीचे। देखिए ऐसे जगह जगह काउंटर लगे होते हैं दर्शन पर्ची के लिए मंदिर में। दर्शन, ये पार्किंग लॉट है, उसी के साथ ही ये दर्शन पर्ची का काउंटर है। तो मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको दर्शन पर्ची लेनी जरूरी है, तो लेकर ही जाएं। दर्शन पर्ची का कोई शुल्क नहीं होता है, वो फ्री होती है। चलें। यही है मंदिर का मार्ग, ये था अपना पार्किंग। यहाँ से आपको मंदिर के लिए पैदल जाना पड़ेगा। मंदिर मार्ग पे ऐसी होटल्स हैं जिनका खुद का पार्किंग है, तो इन होटलों में अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको पार्किंग यहीं पे हो जाएगा। तो ये हम चिंतपूर्णी धाम पहुंच चुके हैं, बस यहाँ से 200 मीटर और जाना है और वहाँ पे माता जी का मंदिर आ जाएगा। तो चलते हैं, दर्शन प्राप्त करते हैं। यहाँ से अब बस सीढ़ियाँ चढ़नी है। ऐसी हल्की फुल्की भीड़ हमेशा यहाँ पे लगी रहती है। देखिए यहाँ पे हर दुकान में ऐसे प्रसाद में हलवा मिलता है माता जी को भोग धराने के लिए, तो हमने भी ले लिया है। देखिए कतारें कहाँ तक जा रही है, आज हल्की फुल्की भीड़ बता रहे हैं, वैसे इससे भी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। माता चिंतपूर्णी के मंदिर को जाने वाला 200-250 मीटर लंबा यह रास्ता रौनक भरे बाजारों में से गुजरता है, जिसमें माता की चुनरी, प्रसाद वगैरह चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छी बात यह है यहाँ पे कोई धक्के नहीं लगा रहा, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, एक कतार बनी हुई है और सभी शांति से कतार में बारी बारी आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग लाइनें चलती हैं, यहाँ पे दो अलग अलग जगहों की लाइनें एक हो रही है। देखिए जो दाहिनी ओर लाइन है वो अलग गेट से चली है और ये अपनी लाइन जो लेफ्ट साइड पे है। देखिए कतार में ऐसे एलईडी लगे हुए हैं और इन एलईडीज पे आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये मंदिर का प्रवेश द्वार आ चुका है और
यहाँ पे आपने जो नीचे से दर्शन पर्ची बनवाई है वो आपको देनी पड़ेगी, तब आपको यहाँ पे अंदर एंट्री मिलेगी। ये हम मंदिर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, अंदर भी अभी कतारों के लिए हॉल बने हुए हैं। इस मंदिर की यहाँ के लोगों में इतनी महानता है दोस्तों, यहाँ पे श्रद्धालु इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं कि यह मंदिर हिमाचल प्रदेश का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। ये मंदिर के बिल्कुल साथ में लेफ्ट हैंड साइड पे ये खिड़की के बाहर जो रास्ता दिख रहा है आपको, वो रास्ता सीधा तालाब को जा रहा है और इस तालाब की एक रोचक कथा इस मंदिर से जुड़ी हुई है। चिंतपूर्णी के मंदिर में इतनी भीड़ होना स्वाभाविक बात है। सामने ही मंदिर का गर्भगृह है, अंदर जाएंगे माता जी के दर्शन प्राप्त करेंगे। माता जी के मंदिर के बिल्कुल सामने देखिए ये माता के चरणारविंद हैं जिसके भक्तगण दर्शन प्राप्त करते हैं। बस अब कुछ ही समय में हम मुख्य मंदिर परिसर में प्रवेश कर जाएंगे। और दोस्तों कल माँ छिन्नमस्तिका की जन्म जयंती थी जिसके उपलक्ष्य में यह पूरा मंदिर सजा हुआ है। ये मुख्य द्वार पे ही भगवान गणेश विराजमान हैं। मंदिर के मुख्य परिसर में प्रवेश करते ही चांदी के दो बड़े बड़े द्वार हैं जिसके ऊपर माता रानी के अलग अलग स्वरूप के दर्शन हम कर सकते हैं। इन स्वरूपों में माँ छिन्नमस्तिका का स्वरूप भी शामिल है। असुरों से संग्राम में जीत के बाद जब माँ के दो गणों जया और विजया ने माँ से कहा कि उनकी प्यास अभी भी नहीं बुझी, तब माँ ने उपहार स्वरूप अपना मस्तिष्क काट के उनकी प्यास बुझाई और तभी से माँ को छिन्नमस्तिका देवी भी कहा जाने लगा। गर्मियों में मंदिर सुबह 4 से रात के 10, सर्दियों में सुबह 5:30 से रात के 9:30 तक खुला रहता है। मंदिर खुलते ही मंदिर में स्नानाभिषेक होता है माता रानी का और दोपहर 12 से 12:30 माता जी को भोग के लिए ये मंदिर बंद रहता है। मंदिर के बिल्कुल साथ ही ये हवन कुंड है। गर्भगृह में कोई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो इस छवि के माध्यम से आप माता चिंतपूर्णी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जय माँ चिंतपूर्णी। अभी चिंतपूर्णी धाम में ही खड़े हैं, बहुत ही अच्छे से दर्शन प्राप्त किए। हमेशा यहाँ पे मंदिर में ऐसी कतारें लगी ही रहती है। कल ही पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन माँ चिंतपूर्णी की जयंती थी, तो पूरा मंदिर यहाँ पे सजा हुआ है। हमने बहुत ही अच्छे से दर्शन किए। माता यहाँ पिंडी रूप में विराजमान है। यह शक्तिपीठ है जिसमें माता के, सती माता के चरणारविंद गिरे थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान शंकर जब सती माता के देह को लांदे पूरे ब्रह्मांड में तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के देह के अलग अलग टुकड़े किए और उनमें से उनके चरण इस स्थान पे गिरे। ऐसा यह पवित्र स्थान जिसके हमने दर्शन प्राप्त किए। शक्तिपीठ होने के साथ साथ यह स्थान एक सिद्ध पीठ भी है। माँ के ही एक भक्त माईदास जी का इस छिन्नमस्तिका मंदिर से गहरा इतिहास जुड़ा हुआ है। इस स्थान पे ये जो वटवृक्ष है वो 700 साल पुराना है और इसी स्थान पे माईदास जी ने बैठ के माता रानी की आराधना की थी और उनसे कहा था कि अगर आप साक्षात इस स्थान पे विराजमान हैं तो मुझे दर्शन दीजिए। तभी माईदास जी को एक कन्या के स्वरूप में माता रानी ने दर्शन दिए और कहा कि इसी स्थान के पास पिंडी रूप में मैं यहाँ पे विराजमान हूँ, उस पिंडी को यहाँ पे स्थापित करें। तब इस स्थान पे पूरा उस वक्त तो जंगल था, तो इस जंगल में पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तब माता रानी ने बताया कि इस स्थान से कुछ दूर एक शिला है, उस शिला को हटाओ और उसके नीचे से पानी निकलेगा, उसी पानी से आप मेरा स्नान पूजन अर्चन कीजिएगा। और आज भी वहाँ पे एक कुंड हम देख सकते हैं और माता रानी का हर रोज उसी पानी से स्नान अर्चन होता है। ये देखिए भगवान हनुमान जी और भैरवनाथ माँ के भवन के ऊपर उनके रक्षक के तौर पे विराजमान हैं। देखिए माता चिंतपूर्णी सभी 9 देवियों में सबसे छोटी बहन है, इसलिए इस स्थान का प्रसाद कहीं और पे ले जाके चढ़ाया नहीं जाता। यहाँ के तो बहुत चमत्कार हैं। ये देखिए एक घंट आपको दिख रहा है कि ये घंट भक्तगण ज्वाला जी ले जा रहे थे और इस स्थान पे ले आए और यहाँ पे रख दिया।
और उसके बाद ये गंड उनसे उठाया ही नहीं गया और यहीं पर रह गया, क्योंकि ये सबसे छोटी बहन है ना, और सबसे छोटी बहन होने के कारण भक्तों की सभी बातें सुन लेती है और उनकी इच्छा पूर्ति करती है। जय मां चिन। और एक बात दोस्तों, पूरे भारत में चैत्र और आषाढ़ के नवरात्र मनाए जाते हैं, लेकिन चिंतपूर्णी में सावन के नवरात्रों में धूम रहती है। यहाँ की और एक अनोखी प्रथा है, देखिए भक्तगण यहाँ पे माता चिंतपूर्णी के भवन के ऊपर सिक्के डाल रहे हैं। जब सिक्के ऊपर जाके नीचे गिर जाते हैं, फिर भक्तगण उसको प्रसाद के तौर पे, आशीर्वाद के तौर पे अपने घर पे ले जाते हैं। देखिए ये मंदिर के उतरने के गेट से बिल्कुल साथ में यहाँ पे इस साइड पे जाना है। लास्ट में तालाब मिलेगा। सीढ़ियाँ उतर के यह तालाब है और नीचे एक शिव मंदिर भी है। तकरीबन ऐसी 200 सीढ़ियाँ उतरनी है तालाब के लिए। ये वही तालाब है जहाँ पे माईदास जी को माता रानी ने आज्ञा की थी, शिला हटाएं और पानी निकलेगा। यहाँ पे बीच में शिव जी विराजमान है। जय माँ चिंतपूर्णी। यही वो कुंड है जहाँ पे माईदास जी ने माता चिंतपूर्णी की आज्ञा अनुसार, ये जो आप कुंड देख रहे हैं उस पर रखी 2 फुट लंबी शिला को हटाया और यहाँ पे पानी की प्राप्ति की थी। साथ में ही देखिए दोस्तों, पीछे बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पे पुजारी जी का घर है और साथ में हनुमान जी की मूर्ति, बहुत ही सुंदर। ये साथ में महादेव जी का मंदिर है यहाँ पे। देखिए ये प्राचीन शिवलिंग है यहाँ पे, शिवोम नमः शिवाय। और उसके साथ में ये भगवान दत्तात्रेय जी का मंदिर, दत्तात्रेय जी के साथ ही राधा कृष्ण का मंदिर, और साथ ही में ये पवित्र कुंड। आज भी इसी पानी से माँ चिंतपूर्णी की हर रोज सुबह अभिषेक व स्नान आदि क्रिया की जाती है। हम भी इस पवित्र जल का पान करते हैं और खुद भी पवित्र होते हैं। देखिए वापिस उतरते टाइम हमें पता चला कि जहाँ पे आप दर्शन पर्ची निकलवाते हैं वहाँ पे अगर आप बताते हैं कि आपके साथ सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए अलग से दर्शन की व्यवस्था हो जाती है, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम नीचे चलते हैं और यहाँ का थोड़ा स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं। देखिए हम चिंतपूर्णी स्ट्रीट पे आ चुके हैं। यहाँ पे जगह जगह बन कुलचा और बन समोसा मिलते हैं। हमने भी यहाँ पे बन कुलचे बनवाए हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है। बन कुलचे के बाद अब ये हिमाचली कुल्फी। तो लो जी, माता जी के दर्शन प्राप्त करके अभी अपन लोग गाड़ी में आ चुके हैं। मैं और कीर्तन गाड़ी लेने के लिए आए हैं। अब पार्किंग से नीचे उतरेंगे, नीचे मम्मी पापा और प्राप्ति खड़े हैं, उनको लेके फिर जाते हैं अपने होटल। वैसे तो रुकने के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत होटल्स हैं और मंदिर का भी खुद का यात्री निवास है। ये देखिए ये मंदिर का लंगर हॉल है, यहाँ पे आपको भोजन मिल जाएगा। ये लंगर हॉल के टाइमिंग्स हैं। चिंतपूर्णी टाउन है ये पूरा, और यहीं पे इस हिल टॉप पे जो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म का होटल है, होटल चिंतपूर्णी हाइट्स वह स्थित है। तो अभी वहीं पे जा रहे हैं। तो ये है अपना होटल, एकदम हिल टॉप पे है। देखिए अपन लोग इधर से आए हैं, नीचे पूरा रोड है। लुक एट द व्यू। वो जो रास्ता है ना, वो रास्ता चढ़ के हम यहाँ ऊपर आए। काफ़ी स्टीप ये पूरा चढ़ना था। ये है पूरा होटल, सबसे हाइट पे है यहाँ पे। सच में व्यूज अमेजिंग है।
तो ये हिमाचल प्रदेश टूरिज्म का होटल और हम लोग अभी टॉप फ्लोर पे हैं और इधर काफ़ी अच्छे व्यूज दिख रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ रूम है यहाँ पे, बट द मेन थिंग इस रूम में से ये है व्यूज़। ये छोटा सा ड्रेसिंग एरिया, ये कुछ बाथरूम और ये कुछ इधर रूम है। रूम्स आर सेम। ये मेन बिल्डिंग के साथ में ये दूसरा बिल्डिंग है, ये पूरा डोरमेट्री है यहाँ पे और ये डोरमेट्री से व्यूज। हंड्रेड ऑन हंड्रेड, वेरी ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। सच में काफी सूदिंग एटमॉस्फेयर, काफी मजा आ रहा है। एकदम ठंडा ठंडा मौसम है, मैं एसी में बैठा था, बाहर निकला हूँ, एसी से ज्यादा ठंडा है बाहर रियली। ये इतना हाइट पे नहीं है चिंतपूर्णी, फिर भी यहाँ पे मौसम बहुत सुंदर है। अभी है ना, मैं और प्राप्ति निकले हैं थोड़ा घूमने के लिए मार्केट में। यहाँ से नीचे जाएंगे, देखिए ये है यहाँ से स्टेप्स सीधा रोड पे जाने के लिए। HPTDC की प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छे लोकेशंस पे रहती है। गर्मी में से ठंडक में आके बहुत मजा आ गया। यस यस, वो तो सही है। अभी अपने आनंद में 40 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ पे इस वक्त अराउंड 20 है। पहाड़ों में घूमने के अपने ही मजे होते हैं। बस कुछ ही कदम निकले हैं अपने होटल से और पीछे देखिए वहां पे कितना सुंदर सनसेट हो रहा है। देखिए ये हमारी होटल का बोर्ड यहाँ पे भी लगा है। ये है मेन एंट्रेंस चिंतपूर्णी का और यहाँ पे इतनी दूरी पे ये एक अंदर राइट साइड पे गली है जिसमें लिखा है हिमाचल टूरिज्म होटल द चिंतपूर्णी हाइट्स। सो लेट्स सी। बस यूं ही चार कदम चलो पहाड़ों पे, हर कदम पे एक नई दुनिया, एक नई दृष्टि, एक नई सृष्टि, क्या ही बात है ना। ये देखिए कुछ स्टेप्स चढ़ के ऊपर आया मैं और यहाँ पे कुछ जिला पंचायत का भवन, उप तहसील बरवाई, पीछे गवर्नमेंट ऑफिस है। देखिए इस एरिया में गवर्नमेंट ऑफिसेस ही हैं सारे, ये सभी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं। ओल्ड बिल्डिंग्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और ये सामने अपना होटल आ गया थोड़ा घूम के टाउन के अंदर से। सम मोर ऑफिसेस सामने ही है, द चिंतपूर्णी हाइट्स अपना होटल। तो देखिए थोड़ा एक्सप्लोर किया तो एक दूसरा रास्ता मिल गया अपने होटल जाने का। तो यूं पहाड़ों पे साथ साथ घूमने में मजे बड़े आते हैं। चिंतपूर्णी के आसपास दीज आर सम प्लेसेस, नैना देवी टेम्पल हम जाने वाले हैं, देन महाराणा प्रताप सागर और रॉक कट टेम्पल्स मारसूर और ट्रियुन। तो अपन लोग पहला और आखिरी दो चीजें कवर करने वाले हैं। देखिए अपने होटल के साथ ही एक दूसरा बिल्डिंग दिख रहा था, बहुत ही सुंदर दिख रहा था, तो हम यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं। देखिए ये पीछे PWD का ये गेस्ट हाउस है, पूरा बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है, एकदम हाइट पे है, बहुत ही सुंदर फैसिलिटीज है, लेकिन दिस इज ओनली फॉर द PWD एम्प्लॉइज। ये देखिए
दही ले लिया है, मिल्क का पाउच लिया है और आलू टमाटर और प्याज, तो ये सब चीज़ें लेके अभी अपने राइस कुकर में बनाएंगे हम खिचड़ी और सब्जी। फाइनली एक छोटा सा वॉक लेके अभी होटल तक पहुंच गए हैं, फिर से स्टेप्स चढ़ के ऊपर जाते हैं। तो भाई नीचे से सब्जी लाने के बाद घुमक्कड़ गुज्जूस के द्वारा ये खिचड़ी और इसमें सब्जी बन रही है अपनी, और ये मम्मी ने इसमें प्याज और टमाटर का कचुम्बर बना दिया है। ये है दूध और दही, सब कुछ अपना यहाँ पे रेडी। और कीर्तन नीचे से लेके आया है अभी। ओके, ये बनी अपनी गर्मा गर्म रोटियां रोटी मेकर में, और ये पूरी थाली। मैंने एक्चुअली वीडियो बनाए नहीं, खाना ही शुरू कर दिया था, बहुत मजा आ गया। कीर्तन कैसा लगा? वी आर एंजॉइंग लाइक एनीथिंग। HPDTC की होटल्स में सीनियर सिटीजन को 10% डिस्काउंट मिलता है, वो कैश में नहीं देते हैं। आप अगर कुछ यहाँ से खरीदते हैं तो उसके सामने एडजस्ट हो जाता है। तो हमने आइसक्रीम ले लिया, तो अपना फूड कंप्लीट करने के बाद डिनर के बाद डेजर्ट। रात का अपने रूम में से व्यू, सामने चंद्रमा, नीचे के घर उसमें लाइटें टिमटिमाती हुई, बहुत सुंदर। इट्स रेनिंग फ्रेंड्स, बारिश हो रही है यहाँ पे। देखिए इस रूम में खिड़की खुली रह गई है, तो कितनी हवा चल रही है, पूरा पर्दा उड़ रहा है। बहुत ही मस्त जोरों की बिजलियों के गड़गड़ाहट के साथ कड़कते हुए बादल, अमेजिंग रेनफॉल। और इसी बारिश के साथ करते हैं इस व्लॉग को एंड, मिलते हैं अगले व्लॉग में। आशा रखता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो सी यू सून।